हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नए डिजाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए फ्रेंड मैंने दो कलर की वूल ली है। एक मैंने ये ऑरेंज कलर और पर्पल कलर लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और फ्रेंड मैं इस तरह का डोरमेट बनाना बताऊंगी, जिस तरह से मैंने ये बनाया है इसी तरह का डिजाइन मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड मैंने इसमें शुरू से कितने फंदे डाले मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, कितने फंदे मैंने यहाँ से डाले हैं। तो फ्रेंड मैंने इसमें 28 फंदे डाले हैं पूरी सिलाई पे। मेरे इस पे ये 28 फंदे हैं, ये देखो। तो मैंने 10 फंदे तो मेरे ये पीछे के हैं, और 6 फंदे मेरे ये ऑरेंज के हैं, और 4 फंदे मेरे ये इस पर्पल कलर के हैं, और फिर से मेरे ये 6 फंदे ऑरेंज के। तो 6 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, और 10 फंदे मेरे आगे के हो गए। तो इस तरह से मैंने इसमें 28 फंदे डाले हैं। तो आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप फंदे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा लो, चाहे यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कहीं पे भी आप फंदे बढ़ा सकते हो। तो हमने इसमें 28 फंदे डालने के बाद इस तरह से हमारा डिजाइन बना है। तो ये 10 फंदे मेरे ये हो गए, 6 फंदे ये हो गए, 4 फंदे ये हो चुके हैं, और 6 फंदे मेरे लास्ट के हो गए। तो ये इस तरह से अब मैं यहाँ से बनाना बताऊंगी किस तरह से मैंने इसमें डिजाइन डाला है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने यहाँ से ये ऐसे डिजाइन घूमते आएगा चारों तरफ से, इस तरह से मैंने इसमें डिजाइन डाला है। तो किस तरह से हमने इसको बनाना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से सीधी साइड हमारी ये है। अब हम उल्टी साइड पे आ चुके हैं। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड हमने इस तरह से पहला फंदा हमारा उतार के बिना बुना, अब आगे का फंदा हम बनाएंगे। तो एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा हमने बनाया, एक फंदा बनाया, दो, तीन, चार और पांच। पांच फंदे हम बनाएंगे, पांच फंदे हमने बनाए, हमने ये 6 फंदे थे। तो लास्ट का हमारा ये छठा है ऑरेंज वाला, इसको हम इस कलर से बनाएंगे। तो हमने ये छठा वाला कलर, छठा वाला फंदा इस पर्पल कलर से बनाना है, तो ये ध्यान रखना है। अब हमने आगे इसको यहीं बंद करके, ऑरेंज वाली वूल को यहीं बंद करेंगे। अब हम आगे के ये 4 फंदे देखो, 1 2 3, तीन फंदे हमने बनाए, चौथे को हम आगे वाली सिलाई पे ऑरेंज से बनाए। तो ये हमने चौथा वाला फंदा ऑरेंज से बनाया। अब देखो हमने ऑरेंज से बना लिया चौथा फंदा, ये हमारे 4 फंदे थे। अब हमें ये आगे के 6 फंदे हैं, इनमें से हमने 5 को ऑरेंज से बनाना है। तो 1 2 3 4 पांच, पांच फंदे हमने ये ऑरेंज से बनाए। अब हमारा ये छठा फंदा है, इसको हम इससे बनाएंगे पर्पल कलर से। हमने ये लास्ट वाला फंदा छठा इससे बनाना है। अब हमारा आगे के ये हमने आगे के हमारे ये सारे फंदे तो हमने ये इसी कलर से बनाने हैं। ये हमारे आगे के 10 फंदे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने ये बनाए। आगे के 2 फंदे हम छोड़ेंगे। तो देखो 2 फंदे हमारे आगे, इनको यहीं छोड़ के आगे हैं, यहीं से वूल को पीछे करेंगे। वूल को पीछे करने के बाद, यहीं से टर्न करने के बाद, अब हम इसको 2 फंदे छोड़ने के बाद इन दोनों को नहीं बनाएंगे। अब हम यहीं से वापस करने के बाद इनको वापस सिलाई को बना लेंगे। यहीं से हमने वापस सिलाई को पूरी को बनाना है। तो ये हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम 8 फंदों को सेम कलर से बनाएंगे। तो हमने ये 8 फंदे सेम कलर से बनाएंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है, तो हमारा जो जैसा फंदा है हमने वैसा ही बनाना है। तो ये हमने 8 फंदे इस कलर से बना लिए।
अब हम इस वूल को पीछे करेंगे और ये ऑरेंज कलर की वूल को आगे लाके, ये देखो ऑरेंज कलर की वूल आगे लाके हमने ये ऑरेंज कलर के फंदे सीधी साइड से जो जैसा फंदा है हमने वैसा ही बनाना है। ये देखो जी, देखो हमने ऑरेंज वाले ऑरेंज से बनाने सीधी साइड से, यानी वूल को पीछे करेंगे। अब हम ये वाली वूल को आगे लाएंगे सेम कलर, अब हमने इसे इसी कलर से बनाएंगे। ये देखो वूल को पीछे करेंगे, ऑरेंज वाली वूल को आगे लाके, इस तरह से तो देखो हमने ये इस तरह से सीधी, तो हमने पूरी सिलाई सीधी साइड से इस तरह से बनानी है। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो उल्टी सिलाई पे हमने ये देखो पहला फंदा हमारा है, ये हम उतार के इसे हम फंदे को उतारेंगे जिससे हमारा ये गोल शेप में आता जाएगा। ये देखो ये हमारा एकदम गोल आएगा, तो हमने पहला फंदा नहीं बनाना है, इसको हम उतार लेंगे। आगे के हमने ये एक दो तीन चार, चार फंदे बनाएंगे आपके, पहले हमने पांच बनाए थे, तो अब हमारा ये पांचवा फंदा है, इसको हमने इस कलर से बनाएंगे। तो हमने ये इस कलर से बनाने के बाद ऑरेंज से नहीं बनाना है, अब हम आगे के भी इसी तरह बना लेंगे। एक फंदा हमारा इस बार इस तरह से बनेगा, ये देखो। अब हमारा ये तीन फंदे हमने बनाने, ये अब हमारा ये चौथा फंदा इसे हम ऑरेंज से बनाएंगे, तो इस तरह से ये डिजाइन बनता आएगा। अब ने हमने ऑरेंज से बनाए, आगे के हमने पूरे फंदे ऑरेंज से बनाने, अब हमारा एक फंदा लास्ट का रह गया है। ये हमने ये ध्यान रखना है फ्रेंड, एक फंदा इधर से बनाना है, एक फंदा इधर से, और इसी तरह डिजाइन बनेगा। तो हमने एक फंदा इसका इस पर्पल कलर से बनाएंगे, ये देखो हमने बना लिया। एक फंदा यहाँ पे बनाया था, एक फंदा मैंने यहाँ पे बनाया, एक मैंने यहाँ पे। अब हमारा आगे का ये सेम पूरी सिलाई को इसी तरह बनाएंगे। आगे के हमने पहले दो फंदे छोड़े थे, हर सिलाई पे हमने दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो देखो हमने पहले दो फंदे छोड़े थे, अब के भी हमने दो फंदे छोड़ने हैं, हर सिलाई पे हमने दो फंदे छोड़ने हैं। तो दो फंदे छोड़ने के बाद यहीं से हम इसको टर्न करेंगे, और यहीं से हमने टर्न करके वूल को अपने साइड करेंगे, और यहीं से इन फंदों को दो फंदे हमने, अब हमारे चार फंदे हो चुके हैं। ये देखो अब हमने आगे के टर्न करके आगे के फंदों को बनाएंगे, तो ये हमारे छः फंदे रह चुके हैं। दो फंदे पहले छोड़े थे, दो हमारे, अब चार फंदे छोड़ने के बाद छः फंदे हमारे रह गए। तो ये देखो ये हमने बना लिए। तो देखो इस तरह से अब हम वूल को पीछे करेंगे, ऑरेंज वाली वूल को आगे लाएंगे, ऑरेंज वाली वूल आगे लाके हमने ये वाले फंदे जो जैसा है उसी सेम कलर से बनाएंगे। सीधी सिलाई पे हमने इस तरह से, उल्टी सिलाई पे हमने एक फंदा चेंज करना है। तो ये हमने देखो ऑरेंज से बनाए, वूल को पीछे करेंगे, और ये हम आगे लाके इस वूल को इस तरह से हमने इस सेम कलर का बनाना है। जी देखो वूल को पीछे करेंगे, ऑरेंज वाली वूल को आगे लाएंगे, मैं बहुत इजी और आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ फ्रेंड, आप इसे आसानी से बना सकते हो। ये देखो तो मेरी ये सीधी सिलाई होगी। अब हमारी उल्टी सिलाई को हम फिर से बताएंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो उल्टी सिलाई पे हमारा ये फंदा चेंज होगा, अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं।
तो उल्टी सिलाई पे हमने पहला फंदा हमारा ये पहला उतारेंगे। पहला फंदा उतार के उल्टी सिलाई पे अब हमने आगे के एक दो, हर बार एक फंदा हमारा कम, ये देखो हमारे ये चार फंदे हो गए, एक दो तीन चार। अब हमारा ये फंदा भी हम इस कलर से बनाएंगे, पर्पल कलर से, तो एक फंदा हमारा हो गया। हर बार हमारा एक फंदा इधर से इस कलर से बनता आएगा, तो हमारा इधर बन गया एक दो तीन, तीन फंदे हमने इसके बनाए। और ये हमारे आगे का हमारा ये इस कलर का फंदा है पर्पल कलर, इसको हमने ऑरेंज से बनाया। ये ध्यान रखना है फ्रेंड, पहले हमारा इधर को होता चला जाएगा तो डिजाइन हमारा इस तरह से घूमता आएगा। ये देखो इधर को हम फंदा बनाएंगे तो इधर को, और फिर हमने आगे का ऑरेंज से बनाया तो ऑरेंज का भी इसी तरह घूमेगा, तो ये हमारा ऑरेंज का हो गया। तो हमने ऑरेंज के बना लिया आगे के, हमारे ये ऑरेंज वाले फंदे बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, एक फंदा हमारा ये ऑरेंज का रहने के बाद इसको भी हम पर्पल कलर से बनाएंगे। तो ये देखो हमारा इस तरह से यहाँ पे अभी हमने फंदा किया था, एक यहाँ पे बदला था, एक यहाँ पे, तो तीनों जगह हमने फंदे चेंज कर दिए। अब हमारे आगे के ये सारे फंदों को पर्पल कलर से बनाएंगे। आगे हमने चार फंदे छोड़ चुके थे, तो दो फंदे अब छोड़ेंगे तो हमारे छः फंदे हो जाएंगे। ये देखो हमने पहले दो फंदे छोड़े थे, फिर दो फोर छोड़े चार, अब दो अब छोड़ेंगे तो हमारे ये टोटल छः फंदे हो गए। यहीं से हम उल को पीछे करेंगे और सीधी सिलाई पे हमने पूरे फंदे सीधे जो जैसा फंदा है वैसा ही हम बनाएंगे ऑरेंज वाले ऑरेंज से। तो ये हम सेम कलर से बना रहे हैं, ये देखो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड। आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे बड़े बनाने के लिए फंदे थोड़ा ज़्यादा डालें। अब हम वूल को इसको पीछे करेंगे, ऑरेंज वाले वूल को आगे लाके, अब ऑरेंज वाले फंदे हम ऑरेंज से बनाएंगे। सीधा हमारा इसी तरह बनेगा, उल्टे पे हमने हर फंदा एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस तरह से इसमें डिजाइन बनता आएगा। ये देखो तो हमने छः फंदे हो गए आगे के, अब हमारे ये चार फंदे रह गए, इनको भी हम हर बार सिलाई पे दो दो कम करेंगे। तो सीधी सिलाई बना ली है, अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे। तो ये देखो पहला फंदा हम उतारेंगे, आगे के हमने ये आगे के हमारे तीन फंदे रह गए, एक दो दो, तो हमने तीन फंदे बनाए। आगे का हम इसे पर्पल कलर से बनाएंगे, तो अब हमारे आगे के ये तीन फंदे रह गए ऑरेंज के। अब हम फिर से तीन फंदे, एक दो और तीन, तीन फंदे हमने बनाए। आगे का हम ये ऑरेंज से बनाएंगे, ये देखो हमने ऑरेंज से बना लिया। तो हमारे ये आगे के तीन फंदे हमने फिर से बनाए, आगे के हम बना लेते हैं। लास्ट में हम एक फंदा फिर से छोड़ेंगे, तो ये हमारा फंदा रह गया। इसको भी हम अब इस सेम पर्पल कलर से बनाएंगे, हमने पर्पल कलर से बनाया। आगे के हम फिर से ये देखो हमने ये चार फंदे बनाए। अब हमारे दो पहले छोड़े थे हमने, दो अब के दूसरी बार, दो तीसरी और दो अब, तो हमारे ये हमने चार बार फंदे छोड़ दिए। तो हमारे ये इस तरह से चार बार छोड़ने के बाद यहीं से हम टर्न करेंगे, तो ये हमारे आठ फंदे हो चुके हैं। हमने चार बार छोड़ने के बाद हमारे आठ फंदे छोड़, यहीं से हमने इनको उल्टी वूल को अपने साइड करके सीधी सिलाई बनाएंगे। अब वूल को पीछे करेंगे, ऑरेंज वाली वूल को आगे लाएंगे। तो देखो ऑरेंज वाली वूल को आगे रख के हमने ऑरेंज वाले फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। तो सीधी सिलाई पे तो हमने जो जैसा फंदा है वैसी तरह से बनाना है, उल्टी सिलाई पे एक फंदा हमारा हर बार चेंज करेंगे, दूसरे कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता आएगा। ये देखो अब ये हम आगे ले आते हैं इस
वूल को और ऑरेंज वाले को पीछे करेंगे। तो हमने ये देखो हमने बना लिए। अब हम इसको वूल को पीछे करेंगे आगे लाके। अब हमारे आगे के ये तीन फंदे रह चुके हैं, ये देखो। तो हम तीनों को इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई हो चुकी है। अब हमारे उल्टी सिलाई पे फिर से आएंगे। तो पहला फंदा तो हम उतारेंगे। अब हम आगे के ये दो फंदे रह गए, एक और दो। दो फंदे रहने के सॉरी दो फंदे रहे हैं, तो इनमें से हमने एक फंदा फिर से ये पर्पल कलर से बनाएंगे। ये देखो अब हमारे आगे के दो फंदे रह गए। आगे के हमने फिर से ये तीन फंदे बनाए। आगे का हम इस कलर से बनाएंगे, ऑरेंज से। ये देखो लास्ट का फंदा रह गया, इसको हम पर्पल कलर से बना लेते हैं। जी देखो आगे की हमने सारी सिलाई को इसी तरह दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे। ये देखो दो। अब हमारे ये दो दो चार दो छः दो चौकाठ 10 फंदे हमने छोड़ चुके हैं। यहीं से हम टर्न करेंगे। अब हमने सीधी सिलाई को सीधा बनाएंगे वूल को अपना साइड करते हुए। ये देखो जो जैसा फंदा है वैसे बनाएंगे। वूल को पीछे करेंगे, ऑरेंज वाली वूल को आगे लाएंगे। ऑरेंज वाले फंदे हम ऑरेंज से बनाएंगे। अब हम ये पल वूल को बंद करेंगे। ऑरेंज वाली वूल से ये दो फंदे रह चुके हैं हमारे लास्ट में, इनको हम इस तरह से बनाएंगे। तो दोनों फंदे हमने बना लिए। अब हम उल्टी सिलाई पे आएंगे। अब उल्टी सिलाई पे आने के बाद हमने देखो उल्टी सिलाई पे आ चुकी है फ्रेंड। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमारे दो फंदे रह चुके हैं। तो अब ये पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा हम ऑरेंज से बनाएंगे। ये देखो दो फंदे बनाए। अब हमने इधर को फंदे बढ़ाने हैं, तो अब हम ये वाला फंदा ऑरेंज से बनाएंगे। ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड। अब हम पहले हमने ये इधर को बढ़ाए थे, ये इधर को पर्पल कलर से बढ़ाए थे, अब हम ये इधर को ऑरेंज से बनाएंगे। तो इसी तरह ही इसे डिजाइन बनता आएगा। तो ये देखो हमने अब इधर से ये ऑरेंज से बना लिया। आगे के हम तीन फंदे पर्पल कलर से बनाएंगे, एक दो। तो अब हम एक फंदा इसका भी बनाएंगे पर्पल कलर से। तो ये हमारे तीन फंदे हो गए। अब हमारे इधर को बढ़ती जाएगी। अब हमने आगे की ये ऑरेंज से बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन आएगा, देखो घूमता हुआ। ये देखो इस तरह से इसमें मैंने डिजाइन डाला है। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना है। अब हमने पहले दो रहे, अब एक और बढ़ गया, फिर हर सिलाई पे एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा अब हमने ये ऑरेंज वाले फंदे इस तरह से ऑरेंज से बना ले लें। ये देखो अब हम एक फंदा इसका ऑरेंज का बनाएंगे। यहाँ से ये पर्पल कलर का फंदे को चेंज करेंगे, इसे ऑरेंज से बना देंगे। ये देखो हमने बना दिया। आगे की हमने यहीं से ये पर्पल कलर से बना लेते हैं सारे फंदों को। तो हमने लास्ट की पूरी सिलाई को कोई फंद जो फंदे छोड़े हैं उनको भी हमने अब सेम कलर से बना देंगे पूरी सिलाई को। ये देखो जो जोड़ छोड़े हुए फंदों को भी हम यहीं से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से पूरी सिलाई को बनाऊंगी। तो देखो फ्रेंड जो हमने छोड़े फंदे थे उनको हमने सारे को बना लेना है। तो मैंने सारे फंदे बना लिए हैं। अब हमने वूल को पीछे करना है। अब ये ऑरेंज कलर के वूल को आगे लाके ऑरेंज वाले फंदे हमने ऑरेंज से बनाने हैं। ये फंदे हम बना चुके हैं सारे।
दो दो जो छोड़े थे उनको हमने सारे को बनाने के बाद अब ये ऑरेंज वाले फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। जी देखो अब हमारे ये इस भूल को पीछे करेंगे, पलपल वाली भूल को आगे लाके ये हमने इस तरह से, तो सीधी सिलाई तो हमारी सेम उसी तरह से रहेगी, जो जैसा फंदा है उसी तरह से हमने बनाना है, भूल को आगे करेंगे। ये देखो लास्ट, ये देखो तो हमारे तीन फंदे हो चुके हैं। अब हमने अपने साइड करके उल्टी सिलाई पे फिर से ये हमारा पहला फंदा हम उतार के आगे के हम एक एक फंदा दो एक फिर से हम ये इस तरह से पलपल से का फंदा हम ऑरेंज से बनाएंगे, तो ये हमारे चार हो गए। तो इस तरह से हम बढ़ाएंगे। अब हमारा ये इस तरह से यही वन वूल को बंद करेंगे और पलपल वाली वूल को इस तरह से दो फंदे हैं। अब एक फंदा हम ये इसको इस तरह से चेंज कर देंगे, तो ये हमारे तीन हो गए। आगे के एक फंदा हमने यहाँ चेंज किया, एक हमने यहाँ, अब हमने ये इस तरह से, तो ये हमारा देखो अब हम इधर को बढ़ाते जाएंगे, तो ये हम ऑरेंज वाले फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। एक फंदा हमने चेंज कर दिया है, ये देखो अब हम ये ऑरेंज वाले फंदे को पर्पल कलर से बदल देंगे इस तरह से, ये बदल दिया। ये देखो अब हमारा ये आगे के फंदे हम इसी तरह बनाएंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई है, इधर को हम बढ़ा रहे हैं फंदे। तो देखो हमने ऑरेंज से, तो देखो फ्रेंड हमने इस तरह से पहले हमने इधर को घटा रहे थे, एक एक फंदा चेंज कर रहे थे, अब हम इधर को, तो ऑरेंज वाले हम इधर को बनाएंगे। तो एक ये हमारा हर सिलाई पे ऑरेंज का, जब हमारे इधर यहाँ फंदे दो रह जाएंगे जब तक हम चेंज करते जाएंगे। तो अब हमने ये आगे की पूरी सिलाई को बनाएंगे, आगे के दो फंदे फिर से हम पहली, ये हमारी पहली सिलाई है, एक पहली सिलाई है, ये देखो तो हमने यहाँ दो फंदे लास्ट में छोड़ने हैं, फिर से हम दो फंदे लास्ट में छोड़ेंगे। सारी सिलाई हमने बना ली थी पूरी एक बार, अब हमने यहाँ के लास्ट के दो फंदे छोड़ देने हैं। तो ये दो फंदे हमने छोड़ दिए, यहीं से भूल को टर्न करके और सीधी सिलाई पे सीधे फंदे हमने बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने ये सारा डिजाइन बना के कंप्लीट करना है। तो ये देखो अब हमने यहीं से इसको टर्न करने के बाद पूरी इस तरह से इसका डिजाइन बनता आ रहा है, देखो ये देखो इस तरह से। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करके ले आती हूँ इसी तरह। तो इसमें यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ हमने अब हमारे चार फंदे हैं, तो चार में एक फंदा हम यहाँ चेंज कर देंगे, इसको हमारे ये ऑरेंज का बना देंगे पलपल वाले को, और इधर को हम इस फंदे को इधर से बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से डिजाइन बनता आएगा। तो चलो मैं ये बना लाती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड ये डोरमेट बनके तैयार हो गया है, और फ्रेंड मैंने इधर से इसमें यहाँ से सिलाई लगा ली है, ये देखो। तो मैंने सारा इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको बनाना बताया था उसी तरह से मैंने ये सारी कलियाँ बना ली है और एकदम बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड आपको डोरमेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।